नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं दी खबरी बाबू। आइए देखते हैं आज की खबर। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना सबसे जोरदार चुनावी कार्ड खेल दिया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में नीतीश सरकार ने न केवल नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी दी, बल्कि वेतन वृद्धि का भी ऐलान कर दिया है। सरकार ने 1 अप्रैल 2021 से नियोजित शिक्षकों को 22% बढ़ाकर वेतन देने की घोषणा की है। देखिए ये रिपोर्ट। सीएम नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले दिया बड़ा बयान। नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से पहले नियोजित शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया। मंगलवार को ही बिहार कैबिनेट की बैठक में 28 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण, प्रमोशन, अनुकंपा पर नौकरी समेत कई अन्य सुविधा नियमावली में मोहर लगाई। इसमें नियोजित शिक्षकों को वेतन में 15% की वृद्धि और सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। करीब 4 लाख नियोजित शिक्षकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। नियोजित शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ 1 अप्रैल 2021 से मिलेगा। नीतीश कैबिनेट के इस फैसले के बाद सरकार के खजाने पर 2,765 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। अभी नियोजित शिक्षकों के वेतन में 820 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं।